हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। इस वीडियो में हम क्लास 11 के चैप्टर 9 के एक्सरसाइज 9.4 सॉल्व करेंगे। तो इसे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सीरीज 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5। इस सीरीज़ के एन टर्म्स का आपको सम निकालना है। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे चल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले nth टर्म लिखेंगे। nth टर्म मीन्स ए एन। अब ए एन में हम पहले पैटर्न देखते हैं क्या है। फर्स्ट टर्म में 1 इंटू 2 है, सेकंड में 2 इंटू 3, थर्ड में 3 इंटू 4। तो हर एक टर्म में दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है फर्स्ट तो। और फर्स्ट टर्म में पहला टर्म क्या है, 1। सेकेंड टर्म में पहला टर्म 2, थर्ड में 3, फोर्थ में 4। तो nth में पहला टर्म n होगा इंटू, अब सेकेंड टर्म देखें, फर्स्ट टर्म में 2 है, सेकंड में 3 है, थर्ड में 4, फोर्थ में 5। तो मीन्स एक ज़्यादा आ रहा है, तो nth टर्म में n प्लस 1 होगा। तो n हो गया n इंटू एन प्लस 1। तो n ये है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखेंगे। कैसे, जितने भी ब्रैकेट्स हैं सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने ब्रैकेट्स हैं सबको एक्सपेंड करेंगे। तो एन स्क्वायर प्लस एन, तो एन की वैल्यू ये आ गई। अब आपको निकालना है सम एन टर्म्स तक का। तो मीन्स समेशन निकालना है ए एन का एन इक्वल्स टू 1 से लेकर एन तक। तो वो कैसे आएगा, राइट हैंड साइड में भी समीशन कर देंगे, समीशन फ्रॉम एन इक्वल्स टू 1 टू एन ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन। अब ये समीशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है प्लस और माइनस के साथ। तो यहाँ प्लस है तो दोनों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मीन्स एन इक्वल्स टू 1 टू एन एन स्क्वायर प्लस समीशन एन इक्वल्स टू 1 टू एन ऑफ एन, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो अब इसकी वैल्यू एन स्क्वायर के समीशन की वैल्यू 1 से लेकर एन तक, मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इस समीशन का मीनिंग क्या है, प्लस 3 स्क्वायर से लेकर एन स्क्वायर तक, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और एन तक जा रहे हैं। तो इसकी वैल्यू ये है। अब इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2 एन प्लस 1 बाई 6। ये फॉर्मूला होता है समीशन एन स्क्वायर का। अब समीशन एन मीन्स 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर एन तक, ये हमने सम करना है। तो ये वैल्यू क्या होती है, इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2। तब इसका आंसर निकालने के लिए इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2, इसको हम कॉमन ले सकते हैं इन दोनों टर्म से। तो एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2, तो डिनोमीटर में 3 और न्यूमरेटर में 2 एन प्लस 1 बचेगा, प्लस ये पूरा टर्म कॉमन चला गया तो प्लस 1। तो एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2, और इसमें एलसीएम लिया तो 3 टू एन प्लस 1 प्लस 3, तो ये n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, ब्रैकेट में आएगा 2n प्लस 4, तो उससे 2 कॉमन लेके n प्लस 2 बना सकते हैं इसको अपॉन 3। ये 2 से 2 कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 अपॉन 3। ये आपका आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीरीज। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें फर्स्ट टर्म 1 इंटू 2 इंटू 3 है, प्लस सेकेंड टर्म 2 इंटू 3 इंटू 4, प्लस थर्ड टर्म 3 इंटू 4 इंटू 5। ऐसे करके आपको एन टर्म्स तक का सम निकालना है। तो अगेन एन एट टर्म लिखेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। इसमें हर एक टर्म क्या है, तीन टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन है। अब फर्स्ट टर्म में 1 2 3 ऐसे चल रहा है तो वो एन के इक्वल ही है, एन एट टर्म में एन ही होगा। सेकेंड टर्म में 2 3 4 ऐसे है तो इससे फर्स्ट टर्म में 1 से ज़्यादा एक, और सेकेंड टर्म में 3 है, थर्ड में 4 है, मीन्स एन में एन प्लस 1 होगा। और लास्ट वाला टर्म, तीसरा वाला क्या है, फर्स्ट में 3 है, सेकेंड में 4, थर्ड में 5, तो एन में होगा एन प्लस 2। ये पैटर्न है इनका। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं, इन सबको एक्सपेंड करते हैं। तो एन इंटू इनको मल्टीप्लाई किया पहले, एन स्क्वायर प्लस 2 एन प्लस एन 3 एन प्लस 2। तो एन की वैल्यू आई, अब एन को भी मल्टीप्लाई कर दें, एन क्यूब प्लस 3 एन स्क्वायर प्लस 2 एन। तो ये आपका एन टर्म आ गया। अब आपको सम निकालना है तो समीशन लगा देते हैं 1 से लेकर एन तक, ए एन समीशन राइट हैंड साइड में लगेगा, एन क्यूब प्लस 3 एन स्क्वायर प्लस 2 एन, और ये भी कहाँ से, 1 से लेकर एन तक। अब ये समीशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, समीशन एन क्यूब 1 टू एन प्लस समीशन 1 टू एन 3 एन स्क्वायर प्लस समीशन 1 टू एन 2 एन। तो ये समीशन एन क्यूब, 1 से n को हम हटा भी सकते हैं, अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो मीन्स 1 से लेकर n तक है।
प्लस, अब ये कांस्टेंट है ये बाहर आ जाता है, समेशन से ही कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ सकती है। तो समेशन वन टू एन, या वन टू एन को हम हटा भी सकते हैं, इसको सिंपली समेशन एन स्क्वायर लिख देंगे। प्लस अगेन ये कांस्टेंट है तो टू समेशन एन, तो ये आया समेशन एन क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन स्क्वायर बाई फोर प्लस थ्री। समेशन एन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स प्लस टू इंटू समेशन एन का फॉर्मूला एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो टू से टू कैंसिल। अब यहाँ से हम कॉमन लेते हैं कुछ टर्म्स, एन इंटू एन प्लस वन कॉमन ले लेते हैं, एन इंटू एन प्लस वन। तो यहाँ पे पहले टर्म में एन एन प्लस वन बाई फोर बचेगा, प्लस यहाँ पे ट्वाइस कैंसिल हो जाएगा। तो एन इंटू एन प्लस वन कॉमन लिया, टू एन प्लस वन बाई टू प्लस यहाँ पे आएगा वन, तो ये हुआ एन इंटू एन प्लस वन। और ब्रैकेट के अंदर सभी टर्म्स का एलसीएम ले लेते हैं, फोर। तो ये पहला टर्म एन स्क्वायर प्लस एन है, सेकेंड टर्म टू से मल्टीप्लाई होगा, टू एन प्लस वन को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर एन प्लस टू प्लस वन फोर से मल्टीप्लाई होगा तो ये फोर। तो एन इंटू एन प्लस वन बाई फोर, ये वाला फोर बाहर लिख लिया, और ये आएगा एन स्क्वायर प्लस फाइव एन प्लस सिक्स। अब इसको थोड़ा और फैक्टराइज कर सकते हैं, एन इंटू एन प्लस वन बाई फोर, इसके फैक्टर्स थ्री और टू, तो एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री प्लस टू टू एन प्लस थ्री, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर थ्री, इसमें सीरीज एक गिवन है, थ्री इंटू वन स्क्वायर प्लस फाइव इंटू टू स्क्वायर प्लस सेवन इंटू थ्री स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इसमें एन टर्म लिखेंगे सबसे पहले। अब एन टर्म के लिए ए एन जो होता है, इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, ये पैटर्न देखना पड़ेगा। ये क्या है, थ्री फाइव सेवन, ये सारे क्या है, ऑड नंबर्स आ रहे हैं। तो इसके लिए हम टू एन प्लस वन लिख सकते हैं, क्योंकि हम एन को वन पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे थ्री आ जाएगा। एन को इसमें टू पुट करेंगे तो फाइव आएगा, एन को थ्री पुट करेंगे सेवन आएगा। तो एन में फर्स्ट पार्ट में तो टू एन प्लस वन हो रहा है। अब ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, फर्स्ट टर्म में वन स्क्वायर है, सेकेंड टर्म में टू स्क्वायर, थर्ड टर्म में थ्री स्क्वायर, तो एन टर्म में एन स्क्वायर होगा। तो टू एन प्लस वन इंटू एन स्क्वायर, ये आपका ए एन आ गया। अब इसमें क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं, तो ये टू एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर, ये आपका ए एन हो गया। अब आपको सम निकालना है वन से लेकर एन तक, तो समेशन ए एन लिख देंगे, यहाँ कुछ नहीं लिखा, मीन्स वन से लेकर एन तक है। तो ये हो जाएगा समेशन टू एन क्यूब प्लस समेशन एन स्क्वायर। अब अगेन वन से एन लिखना चाहते हैं लिखें, या फिर लीव भी कर देंगे तो उसमें कोई इशू नहीं है। अब ये टू कॉन्स्टेंट है तो टू बाहर आ जाएगा, समेशन एन क्यूब प्लस समेशन एन स्क्वायर। अब समेशन के फॉर्मूले लगा देते हैं, टू इंटू समेशन एन क्यूब क्या होता है, एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन का स्क्वायर बाई फोर, और समेशन एन स्क्वायर होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, ये ट्वाइस कैंसिल हो जाएगा, और एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, ये हम कॉमन ले सकते हैं सभी टर्म से। तो यहाँ पे आएगा एन इंटू एन प्लस वन प्लस टू एन प्लस वन बाई थ्री, तो ये हुआ एन एन प्लस वन बाई टू, और ब्रैकेट में एलसीएम लिया तो ये एन स्क्वायर प्लस एन है, तो थ्री इंटू एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू एन प्लस वन, तो एन एन प्लस वन बाई टू, थ्री एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस टू एन, तो प्लस फाइव एन प्लस वन अपॉन थ्री। अब ये टू और थ्री को मल्टीप्लाई कर देंगे, सिक्स लिख देंगे, एन एन प्लस वन थ्री एन स्क्वायर प्लस फाइव एन प्लस वन अपॉन सिक्स, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर, इसमें सीरीज है वन अपॉन वन इंटू टू प्लस वन अपॉन टू इंटू थ्री प्लस वन अपॉन थ्री इंटू फोर एंड सो ऑन, और आपको सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, अब फर्स्ट इसमें ऑब्जर्व करें तो हम फर्स्ट टर्म ये वाले को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ ब्रैकेट में वन है और इन दोनों का डिफरेंस वन है, तो यहाँ ऊपर हम टू माइनस वन लिख सकते हैं अपॉन वन इंटू टू, फर्स्ट टर्म ये लिख दिया। सेकंड में इन दोनों के डिफरेंस को लिख दिया थ्री माइनस टू न्यूमरेटर में, क्योंकि ये वन के इक्वल है, और थ्री टू इंटू थ्री प्लस इन दोनों का डिफरेंस वन है जो न्यूमरेटर में है, तो फोर माइनस थ्री अपॉन थ्री इंटू फोर
ऐसे लिख दिया एंड सो ऑन। अब एनए टर्म में भी इसको एनए टर्म भी लिख लेते हैं। यहाँ पे लास्ट टर्म क्या होगा, वन अपॉन, यहाँ पे फर्स्ट टर्म में वन है, सेकेंड टर्म में टू, तो एनए टर्म में एन होगा। इसमें टू थ्री फोर ऐसे करके चल रहा है, तो यहाँ पे एन प्लस वन होगा। तो ऐसे ही एनए टर्म को हम लिख देंगे एन प्लस वन माइनस एन अपॉन एन इन टू एन प्लस वन। इन दोनों का डिफरेंस वन आएगा जो कि न्यूमरेटर में है। तो हम क्या करते हैं, इनको सेपरेट कर देते हैं। तो टू अपॉन वन इंटू टू ये हो जाएगा वन, माइनस वन अपॉन वन इंटू टू वन बाई टू, प्लस अब इनको भी सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो थ्री अपॉन टू इंटू थ्री ये हो जाएगा वन बाई टू, माइनस टू अपॉन टू इंटू थ्री वन बाई थ्री। ऐसे ही बाकी टर्म्स को अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा वन बाई थ्री माइनस वन बाई फोर, और ये एन प्लस वन बाई एन इंटू एन प्लस वन, तो वन बाई एन, माइनस एन अपॉन एन इंटू एन प्लस वन, तो वन अपॉन एन प्लस वन। अब इसमें हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे माइनस हाफ है, यहाँ पे प्लस हाफ है, तो ये कैंसिल। यहाँ पे माइनस वन बाई थ्री है और प्लस वन बाई थ्री है, तो ये कैंसिल। ऐसे ही माइनस वन बाई फोर अगले प्लस वन बाई फोर से अगले टर्म में जो वन बाई फोर माइनस वन बाई फाइव आएगा ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही वन बाई फाइव कैंसिल होगा और ये टर्म्स कैंसिल होते होते माइनस वन बाई एन इसके लास्ट वाले प्लस वन बाई एन माइनस वन बाई एन से कैंसिल हो जाएगा। और लास्ट में क्या बचेगा, सिर्फ वन और ये वाला टर्म, क्योंकि ये कैंसिल होता अगले वाले से बट अगला टर्म यहाँ पे नहीं है इसलिए ये वाला बचेगा। तो माइनस वन बाई एन प्लस वन ये आपका आंसर में आएगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, एलसीएम लिया एन प्लस वन, तो एन प्लस वन माइनस वन, प्लस वन माइनस वन कैंसिल, एन अपॉन एन प्लस वन, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर फाइव, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सीरीज। अब ये आपको निकालना है फाइव स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर प्लस सेवन स्क्वायर प्लस कहाँ तक, ट्वेंटी स्क्वायर तक। अभी कैसे निकालेंगे, अब हमें पता है फॉर्मूला वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर से लेकर एन स्क्वायर तक, ये होता है समेशन एन स्क्वायर के इक्वल, और ये फॉर्मूला होता है एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स। तो ये फॉर्मूला हमें सम तो पता है बट क्या होना चाहिए उसके लिए, स्टार्ट होना चाहिए वन से लेकर एन स्क्वायर तक। तो इसमें लेकिन ये स्टार्ट हो रहा है फाइव स्क्वायर से, तो हम क्या करते हैं, इससे पहले क्या क्या टर्म्स आने चाहिए थे, वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर और फोर स्क्वायर, तब हमारा ये वन स्क्वायर से ट्वेंटी स्क्वायर बन जाता। तो फॉर्मूले में ये वाले एन में अगर हम ट्वेंटी पुट कर देते तो वो उसका सम हमें दे देता। तो हम क्या करते हैं, वन से लेकर फोर स्क्वायर तक ऐड कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। तो वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर ये हमने ऐड किया, प्लस ये वाला जो ऑलरेडी है फाइव स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर प्लस से लेकर ट्वेंटी स्क्वायर तक। अब इतना ऐड किया तो इतना सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर, ये आपका समेशन के इक्वल आएगा। सपोज ये एस के इक्वल है तो एस इसके इक्वल भी होगा, तो एस इक्वल्स टू, अब इतने टर्म्स देखें वन से लेकर ट्वेंटी स्क्वायर तक, ये सब में ये समेशन एन स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। और एन स्क्वायर मीन्स ये जो लास्ट वाला स्क्वायर है, और लास्ट वाला स्क्वायर ट्वेंटी है, मीन्स इस फॉर्मूले में हम क्या पुट करेंगे, ट्वेंटी। तो ये हो जाएगा, इस फॉर्मूले में एन को ट्वेंटी पुट करते हैं तो ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी प्लस वन ट्वेंटी वन इंटू टू एन प्लस वन, तो फोर्टी प्लस वन फोर्टी वन डिवाइड बाई सिक्स, माइनस अब ये फॉर्मूला क्या है, वन स्क्वायर से लेकर फोर स्क्वायर तक ऐड हो रहा है। अब इसमें भी हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं समेशन एन स्क्वायर, और इस फॉर्मूले में एन की एन के प्लेस पे हम फोर पुट करेंगे, तो फोर इंटू फाइव इंटू नाइन बाई सिक्स ये आएगा आपका। अब इसमें टर्म्स कैंसिल करके देखते हैं, थोड़ा थ्री से कैंसिल हुआ टू और सेवन, और ये टेन टाइम्स कैंसिल हो गया, तो सेवेंटी इंटू फोर्टी वन माइनस थ्री से टू और थ्री टाइम्स कैंसिल, ये ट्वाइस कैंसिल, तो सिक्स इंटू फाइव थर्टी। अब इसमें टेन कॉमन ले सकते हैं तो सेवन इंटू फोर्टी वन माइनस थ्री, तो टेन इंटू सेवन ट्वेंटी एट माइनस थ्री ये हुआ टेन इंटू टू एट्टी फोर, तो आंसर आ गया टू एट फोर ज़ीरो। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स, इसमें सीरीज है थ्री इंटू एट प्लस सिक्स इंटू इलेवन प्लस नाइन इंटू फोर्टीन एंड सो ऑन। तो इसमें अगेन एन ए टर्म लिखेंगे ए एन। अब ए एन के लिए दो टर्म्स के प्रोडक्ट में है हर एक टर्म। अब इसमें फर्स्ट वाला पार्ट देखें तो थ्री सिक्स नाइन, तो ये थ्री के मल्टीपल्स हैं डायरेक्टली, तो ये थ्री एन हो गया। फर्स्ट टर्म में थ्री का फर्स्ट थ्री इंटू वन थ्री इंटू टू थ्री इंटू थ्री आ रहा है, तो एन ए टर्म में थ्री इंटू एन आ जाएगा।
इंटू, अब सेकेंड पार्ट देखें, ये 8 है, 11 है, 14 है, और इसमें ऑब्जर्व करें तो इसमें हम 5 ऐड करके 8 ला सकते हैं, 6 में 5 ऐड करके 11 ला सकते हैं, 9 में 5 ऐड करके 14 ला सकते हैं, मीन्स ये जो टर्म है इससे 5 एक्स्ट्रा है, तो मीन्स सेकेंड पार्ट क्या है, 3n+5 है। तो एक तो हम ये पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ये जो सेकेंड वाला टर्म है, सेकेंड पार्ट है हर एक टर्म का, उसको अलग से लिखें, 8, 11, 14 ये चल रहा है, तो इसमें अगर हम ऑब्जर्व करें तो इनका डिफरेंस क्या है, हमेशा 5 का डिफरेंस है, सॉरी 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, तो ये क्या हो गया, ए पी हो गया। अब इसके लिए एन टर्म क्या होगा, ए एन, सिर्फ इस सीक्वेंस के लिए, फर्स्ट टर्म 8+n-1 × d, कॉमन डिफरेंस क्या है, 3, तो 8+3n-3, तो ये आ गया 3n+5, तो मीन्स सेकेंड पार्ट क्या है, 3n+5 के इक्वल, और यही हमारा ऐसे भी आया था। तो या तो आप डायरेक्टली ऐसे देख लें, या फिर ये ए पी बना के इसको देख सकते हैं। तो आपका एन टर्म आ गया, अब इसको क्या करते हैं, जैसे पहले करते हैं, पहले एक्सपेंड करेंगे, पॉलीनोमियल फॉर्म में लिखेंगे, 9n² + 15n। अब समीशन लगा देते हैं इसमें दोनों साइड, समीशन ए एन इक्वल्स टू समीशन 9n² + समीशन 15n, तो 9 इसमें बाहर आ जाएगा समीशन n² + 15 बाहर आ जाएगा समीशन n। अब समीशन n² और समीशन n का फॉर्मूला लिख देते हैं, तो 9 × n² n + 1 2n+1/6 +15 × n n+1/2, तो ये 3 से 2 और 3 कैंसिल, तो कॉमन लेंगे n n+1/2 और 3 भी कॉमन ले लेते हैं, तो 3 n n+1/2 कॉमन लिया, तो 2n+1 आएगा फर्स्ट टर्म से, प्लस सेकंड से 5 भी बचेगा, तो 3 n n+1/2 और ब्रैकेट में 2n+6, इससे अगेन 2 कॉमन ले सकते हैं, तो n+3, अब ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये आंसर आ गया आपका 3n n+1 n+3, ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इसमें सीरीज क्या है, 1² + 1² + 2² + 1² + 2² + 3² एंड सो ऑन। और इसमें सीरीज में क्या ध्यान रखना है, ये जो है इतना, ये फर्स्ट टर्म है, अब ये 1² सेकेंड टर्म, 2² थर्ड टर्म, ऐसे नहीं है, अब क्या है, ये ब्रैकेट में जो पूरा गिवन है, ये कितना है, ये पूरा का पूरा सेकेंड टर्म, और ये इतना थर्ड टर्म, ऐसे करके आपको एनी टर्म तक सम बताना है। इसमें एनी टर्म क्या होगा, हम कुछ से अगर देखें तो 1² + 2², तो फर्स्ट टर्म में 1² तक सम है, सेकेंड टर्म में 2² तक सम है, थर्ड में 3² तक, तो एनी टर्म में n² तक का सम होगा, तो आपको ये सम s निकालना है। तो फर्स्ट इसमें एन ए टर्म लिखते हैं, एन ए टर्म ए एन इक्वल्स टू, एन ए टर्म में 1² + 2² + 3² कहाँ तक, n² तक चल रहा है, ये आपका एन ए टर्म है। अब इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, 1² से n² तक का सम, समेशन n² के इक्वल है, तो इसका फॉर्मूला होता है n n+1 2n+1/6। ये अभी हमारा इस सीरीज का सम नहीं आया, ये क्या आया, सिर्फ और सिर्फ an आया, से एन टर्म इसके इक्वल है। अब हम क्या करते हैं, पहले जैसे ही इसको पॉलीनोमियल फॉर्म में लिखेंगे, तो 1/6 तो बाहर ले लेते हैं, एन इंटू, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2n² + 2n+1 + 3n+1, और एन को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/6 इंटू 2n³ + 3n² + n, ये आपका एन टर्म आया। और अगर हम 1/6 को मल्टीप्लाई करें हर एक से, तो n³/3 + n²/2 + n/6, ये आपका nth टर्म है। आपको निकालना क्या है, समेशन निकालें nth टर्म को, तो उसको हम समेशन लगा देते हैं दोनों साइड, समेशन an इक्वल्स टू, अब 1/3 कॉन्स्टेंट है, तो 1/3 बाहर आ जाएगा समेशन n³, यहाँ से 1/2 बाहर आ जाएगा समेशन n², यहाँ से 1/6 बाहर आएगा, तो समेशन n। अब सिंपली इसमें समीशन वाले फॉर्मूले पुट कर देते हैं, 1/3 समीशन n³, ये होता है n² + n+1² / 4 +1/2 समीशन n² n n+1 2n+1/6 +1/6 × समीशन n n n+1/2,
तो इसमें आप टर्म्स कॉमन लेते हैं, एन इंटू एन प्लस वन ये कॉमन आ जाएगा न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर में यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12, यहाँ पे भी 12, तो 12 कॉमन ले लिया। तो इनसाइड द ब्रैकेट एन इंटू एन प्लस वन प्लस टू एन प्लस वन और यहाँ से 1, तो ये आएगा एन इंटू एन प्लस वन अपॉन 12 एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू एन प्लस वन प्लस वन एन एन प्लस वन बाई 12, ये हुआ एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस टू। ऐसे फैक्टर ब्रेक कर सकते हैं इसमें मिडिल टर्म, प्लस टू प्लस वन, तो एन इंटू एन प्लस वन और इसके फैक्टर बनेंगे एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, तो ये हो जाएगा एन प्लस वन स्क्वायर, तो एन प्लस टू बाई 12, ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम टू एन टर्म्स ऑफ सीरीज हुज एनथ टर्म इज गिवन बाय, तो मींस सीरीज का एनथ टर्म डायरेक्टली आपको गिवन है, मींस ए एन गिवन है क्या, एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस फोर। तो ये हमारा जो अभी तक हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसका फर्स्ट स्टेप तो ऑलरेडी डन है, तो इसका समीशन कैसे निकालते हैं, फर्स्ट इसको पॉलीनोमियल फॉर्म में लिखेंगे, तो एन इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करें एन स्क्वायर प्लस फोर एन प्लस वन, ये हो जाएगा फाइव एन प्लस फोर, तो एन की वैल्यू आई एन क्यूब प्लस फाइव एन स्क्वायर प्लस फोर एन। तो समीशन निकालना है तो दोनों साइड समीशन लगा देते हैं, एन वन से लेकर एन तक है ये समीशन एन क्यूब प्लस फाइव कॉन्स्टेंट है तो बाहर समीशन एन स्क्वायर प्लस फोर कॉन्स्टेंट समीशन एन, तो समीशन एन क्यूब फॉर्मूला एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन स्क्वायर बाई फोर प्लस फाइव इन टू समीशन एन स्क्वायर एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स और फोर समीशन एन 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 प्लस वन बाई टू। अब टर्म्स कैंसिल करें, ये ट्वाइस कैंसिल हो जाएगा, अब कॉमन लेंगे एन एन प्लस वन ये कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में एन एन प्लस वन बाई फोर प्लस फाइव इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स प्लस टू, तो ये एन इंटू एन प्लस वन। अब एलसीएम लेते हैं ब्रैकेट के अंदर, एलसीएम हो जाएगा 12 और ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस एन 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 एन स्क्वायर प्लस 3 एन प्लस ये होगा 2 से मल्टीप्लाई तो 10 इंटू टू एन प्लस वन प्लस ये 12 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 24, एन एन प्लस वन और ये 12 को बाहर लिख लेते हैं 12 3 एन स्क्वायर प्लस 3 एन प्लस 20 एन तो 23 एन प्लस 10 प्लस 24 34, तो आपका ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सीरीज हुज एन टर्म इज गिवन बाय एन स्क्वायर प्लस टू की पावर एन, तो एन क्या गिवन है एन स्क्वायर प्लस टू की पावर एन, तो अभी टू की पावर एन ये क्या हो गया पॉलीनोमियल नहीं है, ये क्या है एन स्क्वायर पॉलीनोमियल वाला फॉर्म है बट ये नहीं है, तो समीशन लगाना है हमें, तो इसको पहले थोड़ा सा देखते हैं समीशन एन, तो इसमें समीशन लगाएं दोनों साइड तो समीशन एन स्क्वायर वन से लेकर एन तक प्लस समीशन वन टू एन टू की पावर एन, समीशन हमने अप्लाई कर दिया। अब समीशन एन स्क्वायर ये तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स प्लस टू की पावर एन का समीशन, इसमें समीशन है तो हम क्या करते हैं पहले समीशन को एक्सपेंड करते हैं, देखते हैं ये किस टाइप का किस टाइप की सीरीज है, ये तो वन पुट किया तो टू की पावर वन तो ये हो गया टू प्लस समीशन है इसलिए प्लस, अब टू पुट करेंगे और कहाँ तक एन तक तो टू की पावर टू आएगा सेकेंड टर्म, फिर थ्री पुट करेंगे तो टू की पावर थ्री और कहाँ तक एंड होगा एन पे तो टू की पावर एन एंड में आएगा। अब इसमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ये क्या है ये जी पी है जिसका फर्स्ट टर्म टू है और कॉमन रेशियो टू है तो इसके एन टर्म्स हैं टोटल तो इसका सम निकाल सकते हैं हम, तो एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स और ये जी पी का सम लगा देते हैं ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, तो आंसर में एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स प्लस टू इंटू ये वन हो जाएगा टू की पावर एन माइनस वन, ये आपका आंसर हो गया।
Now question number 10. Find the sum to n terms of series whose nth term is given by 2n minus 1 whole square. Means nth term आपको directly given है 2n minus 1 का square. तो इसको क्या करते हैं, polynomial form में लिखते हैं, इसलिए इसको square को expand करेंगे. तो 2n का square 4n square plus sorry minus 2ab, तो minus 4n plus 1 का square 1. तो n पॉलीनोमियल फॉर्म में ये है, समेशन निकालना है तो समेशन लगा देते हैं दोनों साइड. 4 समेशन n स्क्वायर माइनस 4 समेशन n, या माइनस 4 है कांस्टेंट तो माइनस 4 को बाहर ले लिया, प्लस समेशन 1. अब 4 इंटू समेशन n स्क्वायर, n स्क्वायर का समेशन n, n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई 6 माइनस 4 समेशन n, n इंटू n प्लस 1 बाई 2. अब समेशन वन, समेशन वन को देखते हैं एक बार. समेशन वन है और एन इक्वल्स टू वन टू एन है. अब यहाँ पे एन जहाँ जहाँ होगा वहाँ पे हम वन से लेकर एन तक वैल्यूज रखेंगे, बट यहाँ पे कहीं पे भी एन नहीं है. तो एन इक्वल्स टू वन के लिए ये वाला फॉर्म क्या बनेगा, ये एक्सप्रेशन वन ही रहेगा. प्लस अब एन इक्वल्स टू टू रखना है बट यहाँ पे एन नहीं है तो स्टिल ये वन ही रहेगा. और ऐसे करके कहाँ तक, ये एन तक वन आएगा. तो मीन्स ये एन टाइम्स वन आया, तो वन को एन टाइम्स ऐड करके एन आ जाएगा. तो समेशन वन की वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होती है, एन के इक्वल होती है, हमको याद रखना है. तो समेशन वन यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये ट्वाइस ये थ्राइस कैंसिल, ये इसको ट्वाइस कैंसिल कर देगा. तो कॉमन ले टर्म्स, एन कॉमन आ जाएगा और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है. तो ये हो गया टू इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई थ्री माइनस टू इंटू एन प्लस वन प्लस वन. अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, एन इंटू एलसीएम में थ्री आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई भी कर दें, टू इंटू टू एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस एन थ्री एन प्लस वन माइनस एलसीएम लेके ये थ्री से मल्टीप्लाई करो तो सिक्स इंटू एन प्लस वन प्लस थ्री. अब एन इंटू ये थ्री को बाहर लिख लेते हैं, ये आया फोर एन स्क्वायर प्लस सिक्स एन प्लस टू माइनस सिक्स एन माइनस सिक्स प्लस थ्री एन बाई थ्री. फोर एन स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, अब फाइव माइनस वन माइनस वन. अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एन बाई थ्री ये क्या है, टू एन का स्क्वायर है और ये वन का स्क्वायर. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई किया तो एन बाई थ्री टू एन प्लस वन इंटू टू एन माइनस वन, ये आपका आंसर आ गया.